रना अपनी अम्मी को मिस कर रही है, अल्लाह मुझे भी रोना सा आ रहा, लेकिन मैं ज़ैनब से इतना प्यार नहीं करती, लेकिन मेरी आंखों में आंसू हुआ। रायता दो जरा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कश्यप यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। ओके सॉरी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सहरी का वक्त यहाँ से शुरू हुआ जाता है और आज मैं सहरी में खा रही हूँ एजाज पकवान की बिरयानी और ये मेरा फेवरेट ग्लास है। अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगी ना तो मेरा एडिटर जो है ना वो बीच में लगाएगा शाने रमजान शाने रमजान। मैंने सोचा वो लगाए इससे पहले मैं खुद पढ़ लेती हूँ। आज हम लोग ना बाहर जाएंगे चाय पीने, मेरा की तबीयत बहुत नासाज है, बहुत ज़्यादा कान में खनखजूरा घुस गया। आया पानी लग दो। एक तो यार ये तुम लोग मोबाइल यूज करने के बाद भी ना करें क्या आपको? ऐसी शक्लों वाले क्यों हो जाते हैं? मतलब जब तक मोबाइल यूज कर रहे हो तो एक्टिव होते हो। एनर्जी मिल रही है ना इस मोबाइल को? किस चीज से एनर्जी मिल रही है? मोबाइल के अंदर जो होता है, मोबाइल के अंदर होता है तो इतनी महंगाई हो गई है यार, लोग कैसे कर रहे होंगे रोजा पता नहीं, मैं खुद हैरान हो रही हूँ। बहुत दिनों के बाद घर में चांद निकला है। आज ही सच की झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद कोई काम से निकला है। हाँ भाभी तो मेरा भूत काम कर रहा होता है ना। या आज सच में झाड़ू लगाई वरना भाभी झाड़ू देखो कैसा कमरे चमकाते हैं, दिखा तो चमकाते हैं, कमरे चमक रहे हैं, चमक धमक रहे हैं। यहाँ से मैंने लगाई ड्राइंग रूम की लगी तो ड्राइंग रूम भी ऐसे लगते हैं आप लगाई होना। ड्राइंग रूम की आप लगाएगी तो भाई जगह बनाना जा रही हूँ, किचन में जगह बहुत कम थी तो मैंने सोचा यहाँ पर मसाला लगाऊँ और आप लोग को दिखाऊँ तो चरगा कैसे बनता है। चरगा इसके अंदर हम चावल भरेंगे, भरेंगे इसके अंदर चावल नहीं भरने वाला नहीं करेंगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा और रोजा खुलने में सिर्फ और सिर्फ आधा एक दो घंटे बाकी हैं। यस तो इसलिए हम हाँ तो बस मैनेज करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। माइक्रोवेव में चरगे की पिक्चर भी बनी हुई चरगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इसको कर कर छुरी खराब है, छुरी हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन कोई बात नहीं, हम कट कर लेंगे इसी में। और अब ये दूसरा लगा दिया और अभी तीसरा लगा दिया, लेकिन ये वाला गहरा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये बोटे निकल जाते हैं। और अभी किधर लगाएंगे रानी को पर भी लगाएंगे एक एक, छुरी इतनी तेज़ है कि बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। भाई लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है और अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, मम्मा ने हरी मिर्चें घर की पीस के रखी हुई हैं कि अगर हमें ज़रूरत हो तो हम डायरेक्ट डाल लें। मम्मा हरी मिर्चें सारी डाल लूँ? नहीं बहुत पसंद। अच्छा मम्मा स्पाइसी से खाना है इसमें से। ये दही मम्मा ने घर में बनाई है, आप लोग देख सकते हैं ये घर की बनी हुई दही है, लेकिन हम इसका पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लहसुन अदरक तो बस हम सिर्फ साइड से दही डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं घर की बनी हुई दही। अब मम्मा दही बनाएंगी तो मैं आप लोग को लाजमी बताऊंगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लेमन जो सारे कटे हुए हैं, आप अपने हिसाब से डालो इसमें जायका, आप जैसे बनाती हो खुद से। अब हम डालेंगे इसके अंदर टिक्का मसाला, चरगा मसाला, सॉरी चरगा मसाला ये। अरे बस 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 हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ वहाँ से लाना पड़ेगा, काली मिर्च भी डालेंगे अभी रुक जाएं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च पिसी हुई, पिसी हुई मैं इसको कुटी हुई बोलती हूँ यार। कूटने का मतलब ये जिसको कूट दिया जाता है ना। अब हम ये डालेंगे बस बस चमचा ये रही है तो इसमें करके भी डाल सकती हूँ मैं, देसी तरीके से करती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ही देसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा है नॉर्मली कलर चाहिए हमें, डाल दो चा सारा। अब हम उसमें डालेंगे काली मिर्च और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। उबले हुए चावल बनेंगे इसके साथ भगरे में, भरे हुए तो नहीं होंगे ना, सिर्फ भगरे में नहीं होंगे भगरे में। और ये हम डाल रहे हैं गरम मसाला, और अगर ज़्यादा हुआ तो मसाले वाले बना देंगे थोड़े से बिरयानी वाले स्टाइल में। हाँ बिरयानी वाले स्टाइल के मसाला इसका जो बच जाता है उससे भी हो जाता है। हाँ वैसे हो जाता है उससे भी तो उसी से कर लेंगे। और ये हम डालेंगे चिकन पाउडर,
मेरा रोजा मकदू हो रहा है। क्यों इतना पानी मुंह में आ रहा है? अच्छे से अंदर अंदर तक। मोर की गर्दन टेढ़ी होगी। गर्दन टेढ़ी के अलावा भी उसकी टांगे भी टेढ़ी होगी बेचारे। बस भाई मसाला डन हो चुका है अब हमारा। अब हम इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। साफ होकर आया है ना? हाँ ना आते नहीं। चरगा मसाला डन हो गया हमारा गाइस और अब हम इसको रख रहे हैं 2 घंटे के लिए। टांगी ना से परी बाटने के लिए। और किसका मम्मा बताया? और मैंने यहाँ पे नया चूल्हा रखवाया है चढ़वे के लिए और चढ़वा इसमें डाल के मैंने रख दिया है ताकि चढ़वा रेडी हो जाए। लेकिन मैं आप लोग को टाइम बताती हूँ, टाइम हो चुका है 6:30। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन चढ़वा तो रेडी नहीं हो पाएगा। अब चरगा तो रेडी नहीं हो पाएगा लेकिन ये है कि हम चरगा बाद में खाएंगे, अभी हम खाएंगे इफ्तारी और चरगा खाएंगे रात में खाने पे। दुआ मांग ली तो तुम अपनी प्लेट बना रहे हो हैं? प्लेट पहले होती है। दुआ मांग ली आगे रखो जो प्लेट बना रहे हो। या अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ फरमा दे, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह पाक हम सबको पूरा महीना रोजा रखने की तौफीक दे। या अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। इस रमजान हमें कुरान खत्म करने की तौफीक दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कल हमें इफ्तार में बिरयानी दे। या अल्लाह पाक जो रोजा नहीं रख सकते उनको भी रोजा रखने की तौफीक दे। या अल्लाह पाक जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता कर, जो बेऔलाद है उनको औलाद अता कर। या अल्लाह पाक जो जो औलादे नाफरमान है उनको फरमाबरदार बना दे। जो लड़के का मौका तो दे ऐ मेरे परवरदिगार, जो बच्चियां अपने घरों को बैठी हुई उनको अच्छे और नेक रिश्ता मिल जाए मेरे परवरदिगार। माशाल्लाह से आप सब हमारी जैनब के लिए भी दुआ करें। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको एक फूल जैसा बच्चा। रो क्यों रही हो जैनब? क्या हुआ जैनब? जैनब अपनी अम्मी का मिस कर रही है। जैनब अपनी अम्मी को मिस कर रही है। अल्लाह मुझे भी रोना सा आ रहा लेकिन मैं ज़ैनब से इतना प्यार नहीं करती लेकिन मेरी आंखों में आंसू हुआ। रायता दो जरा। ये भी रो गई। सब पहले वजह तो बताओ फिर आगे मैं रोऊंगी। अगर पता नहीं। मैं प्यार तो नहीं करती लेकिन आपको आंसू आ रहे। उनको याद तो करती है तो उनसे तो प्यार करती है। मुझे इमोशनल होने का कोई शौक कहाँ बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह कौन मन्ना मन्ना आने वाला प्याज के पकौड़े का। इसने रोजा रखा है। ये बैंगन का पकौड़ा खा। ये पकौड़े इतने सारे मैं मम्मा आ जाऊंगी। इधर कर दो पकौड़ा। गायका खराब हो गया मगर। और आप लोग जो है ना जानब के अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं। मैं नहीं लगा सुन जो भी काम बंद हुआ रहेगा तो वक्त कर खाने के बाद पढ़ते हैं आप तक। तो भाई रोजा खुल गया है और बाकी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पढ़ ली नमाज इतनी जल्दी पढ़ ली। वाह अब चढ़ को देखते हैं चढ़ का क्या अंजाम है। ओह भाई ये है लुक। इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर और मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो मैंने भगरे हुए चावल बनाए हैं उसका क्या लुक है। अगर मैं आप लोग को दिखाती हूँ चावल है टूट जाएगा वैसे। आप अपना उठा लेना। ऐसा तो बहुत स्लोली जाएगा फालतुआ। ज़्यादा चाहिए तेल हमें। खोल दो ढक्कन को। चरगा डाल दिया तेल में। डाल दिया। बैठ गया उसी तेल में। तुम्हें ना बैठा दी थी ऊपर। भाई आपके खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसने व्लॉग भी खुद बना रहा है।
तो भाई मेरा ये तड़का जो है ना डन हो चुका है। इसके मसाला मैंने भाई चावलों में मिला दिया, लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी। तो लेट्स ईट, कैसा है टेस्ट में? रहना बाज, तुम क्यों रो रही थी इफ्तार में? वजह बताओ, क्योंकि मुझे वजह पता तो मुझे लगे कि हाँ मैं सही बात पे रो रही थी। किसी की या अम्मी की? मैं भी रो रही थी, मेरी दोस्त थी। हाँ मेरी भी अम्मा मेरी दोस्त है माशाल्लाह। बाकी मैं दोस्त ही थी, सही थी। जो बात है यार, माँ तो अपनी औलाद की। मैं तो ये बोल रही थी, मैंने कहा हमारी माँ है जैसे मम्मा मम्मी भी हम लोगों के साथ करती है, वैसे मेरी माँ भी हम लोगों के साथ करती थी। गला हो सड़ा हो मतलब अच्छा हो प्यार सही हो, खिलाती थी पिलाती थी करती थी। माएँ कैसी होती है ना, मैंने कभी ये बातें करती है। पराए घर जाएंगी, पता नहीं वहाँ उनको कैसा मिले कैसा ना मिले। मुझे यही होता है, मैं ज्यादा नोट करता है इसके साथ ज्यादा करती। बेटियाँ होती हैं। अब तुम्हें तुम्हें क्या लगता है? अच्छा चुप, तुम्हें क्या लगता है मैं किसके साथ ज्यादा करती हूँ? है भले कितना भी अच्छा हो, ससुराल माँ की तो याद आती है मम्मा, है ना। अब कहने का मतलब ये था कि ज़ैनब का ससुराल बहुत अच्छा। भाई यार क्या क्या सोचा था, अभी इतना छोटा सा है। मैं तो ये नहीं चाह रही थी कि घूमे फिरे ये लोग। हाँ जो बात, जिंदगी को एंजॉय करें। जो बात है, जनत को कोई घूमने फिरने का शौक ही नहीं है। तुम्हें कोई घूमने फिरने का शौक नहीं है? यार एक तो इतना रोतू पैदा कर लिया तुम लोगों ने। मेरी बॉडी तुम्हारे अब्बा खा जाएंगे। भाई तो अपना बेबी किसी और को ही दे रहा था, बात बात करके आ गया था उनके घर में औलाद। वो फैमिली भी आ गई थी घर में। हाँ रो रहे थे मियां बीवी दोनों, रो रहे थे। दस साल हो गए उनके औलाद नहीं, बेचारी इतने वजीफे भी पड़ती है, टिक डॉक्टरों को भी दिखाया, औलाद नहीं है बेचारी। और तुम्हारा शोर तो देने वाला था, तुम वो इसलिए ही दे देते ना। तो तुम दे दे थी? अच्छा वो रो रहा तो ये भी रो रहा, उसके उस्ताद ये वो रो रहा तो ये भी रो रहा। मेरी बात सुनो, इनके दो तीन कि मेरा उस्ताद रो रहा है और मैं भी रो रहा हूं। ये भी दे रही थी, ये दोनों को, इन दोनों को घर से निकाल के फॉर्म बताएगा, सच सच फॉर्म बताएगा। हां ठीक है, मैं बोल रही थी तुम ऐसे कैसे दे सकती हो? नौ महीने कैसे पालते हैं? स्कूल जगह पे इसका भाई होता ना, या इसकी बहन होती थी, आपको नहीं दे सकती? मैं तक पहुँचाओ, चलो रो रहे होते हो, माफ करो हमें, हमारी जिंदगी को बख्श दो। जाओ तुम अपने अम्मी अब्बू को लेके जाओ। जाओ हाँ, तुम जाओ अपने अम्मी अब्बू को लेके जाओ। मारो नहीं। तो अभी तो आपने बोला जाओ। अच्छा सॉरी, अच्छा कान पकड़ के सॉरी। अच्छा कान पकड़ के सॉरी। बताओ जाती किसने मार मुझे? मैं बैठी हूँ ना। अल्लाह, एंडिंग भी इस तरह करनी पड़ेगी कि जुहान के रोने पीछे से आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे घर में बच्चे, अगर आप लोग के घर में भी कोई बच्चा हो। सॉरी यार, नहीं कर रहे यार, ये मेरी जिंदगी में यही रह गया, मेरी बच्चे बच्चे बच्चे। गाइस आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे घर में मेरे सर में दर्द हो जाता है बच्चे के रोने से, और उसने नाखून मार मार के मुझे नोच नोच के जख्मी कर दिया, मेरे मुँह पे भी नाखून मारे। खैर आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।